चार सेंटीमीटर के फुंसियां उठा दी, दिख रहा है फुंसी फोड़े उठ गए। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में, राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज का व्लॉग बना रहे हैं विकास नगर का, भाई की कमेंट आ रही थी तो मैं आज बना देते हैं, दिखाते हैं अब आपको, स्टार्ट करते हैं विकास नगर का, कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेन पॉइंटर से स्टार्ट करूंगा, मेन पे ही खत्म कर दूंगा। तो भाई हम खड़े हैं अभी, जो अपने पीछे आप देख रहे हो धर्मकट है, ये मेन हाईवे है रोड का, और ये एकता सोसाइटी है, तो ये विकास नगर स्टार्ट हो जाता है। तो भाई ये भी दुकान है ना, यहाँ से विकास नगर स्टार्ट हो गया, और अब दिखाते हैं आपको पूरा विकास नगर। गलियों में तो जाएंगे नहीं यार, क्योंकि गलियों में फायदा भी क्या है, एक गली ये गई, फर्स्ट गली स्टार्ट होती है, फिर ये आ गई सेकंड गली, और जस्ट फिर ये आ गई टेम्पो के पास थर्ड गली, ये वाली ये थर्ड हो गई, इस वैगनार के आ गई फोर्थ गली आ जाती है विकास नगर की, ये रही चौथी गली, और भाई जस्ट ही फिर थोड़ा सा निकलते के साथ ना ये आ गई पांचवी गली, ये गई, और भाई अभी आ गए हम काला का रोड के ऊपर जो धारुड़ा चुंगी की तरफ से आता है, ये आ रहा है धारुड़ा चुंगी से, ये धारुड़ा चुंगी से आ रहा है, आरडीएस कॉलेज है, जस्ट ये हरी हरी सी रेडी दिख रही है इसके पास, और भाई ये मुड़ गए लेफ्ट में, ये विकास नगर ही है, फिर ये एक गली आ जाती है तिरुपति लिख रहा है, ये गली आ गई फिर एक, ठीक है, और फिर इसके बाद ये लेफ्ट साइड में ये गली आ गई एक, ये रही ये गली आ गई, और भाई फिर इसके बाद ये बोर्ड लग रहा हमारे पार्षद साहब का, तो ये एक गली आ गई, और इसमें से तीन चार गली फटती रही है वापिस इसी रोड पर आ जाती है, और सेक्टर चार में भी चली जाती है। और भाई हमारे यहाँ के फेमस समोसे वाला सैनी साहब सतनाम ये, और भाई फिर ये एक गली आ गई, ये रही ये भी घूम फिर कर सेक्टर चार में चली जाती है, एक तो ये गई इधर और एक ये गई, एक तो ये गली हो गई ये, और एक गली ये लास्ट गली ये है, ये रही लास्ट गली, बस ये विकास नगर था। अगर आप अंदर से भी घूमना चाहो तो बहुत बड़ा है, लेकिन भाई मैं तो मेन ही बना रहा हूँ, और ये भाई फिर ये एक सोसाइटी दिखने लग गई इधर जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, रोड नहीं चौक, तो काला रोड पर चल रहे हैं, ये एक सोसाइटी में गया रास्ता ये, और वहाँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं जाता है डायरेक्ट, और आगे फिर अभी सिंह चौक पे पहुँच जाता है, और ये काला का चौक आ गया, और ये आगे अभी सिंह चौक आ जाएगा। तो भाई अब मिलते हैं आपको आगे अपने टारगेट पे। तो गाइज ये था एक छोटा सा विकास नगर व्लॉग, छोटा सा क्या था यार इतना विकास नगर, और भाई अगर आप कहो भाई एक एक गली दिखा दो तो भाई फिर उस दिन गाड़ी में नहीं, फिर उस दिन स्कूटी पे बनाएंगे, क्योंकि यार गाड़ी है ना गलियों में जाती नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह है ना पानी पूनी भरने वाले आते हैं, गैस सिलेंडर वाले आते हैं, तो फिर गाड़ी को जगह नहीं मिल पाती, ना उनकी निकल पाएगी ना हमारी। तो भाई अगर आप कहोगे भाई नहीं पूरा ही बनाओ तो भाई फिर पूरा भी बनाएंगे, और फिर ये सेक्टर चार जो ये रास्ता आ गया ना ये आता है विकास नगर में से ही जो सेक्टर चार में निकलता है, तो गलियों की बना देंगे एक दिन हम स्कूटी पर लेके, और स्कूटी पर मैर मोलिक दोनों बना देंगे। अगर आप कहते हो नहीं भाई ठीक है इतना ही तो भाई इतने में छोड़ देंगे। तो भाई अब जा रहे हैं मुकेश भाई के पास, और भाई कोई गाड़ी आई है तो देखते हैं कौन सी आई है, तो उसका करते हैं एक भाई इस गाड़ी को दिखाते हैं, इसका यह टेम्परेचर पता नहीं क्यों हाई हो गया, तो कूलेंट क्यों निकला, आते वक्त कुछ भी नहीं हुआ, जाते वक्त ही पता नहीं, या तो मेरे हिसाब से कोई ढक्कन ढीला रह गया इसका, जैसे पानी वानी चेक किया तब, या फिर भाई इसने किया ही है कुछ ना कुछ है। तो भाई दिखाते हैं, दिखाना जरूरी है, मैं इस चीज में नहीं रहूंगा अब भाई नहीं ढक्कन ही ढीला था तो निकल गया ये वो, नहीं अब नहीं निकला तो सही है, नहीं भाई चेक तो मैं जरूर कराऊंगा, चेक कराने में ही सही है भाई, क्योंकि नुकसान ज्यादा हो जाए क्या फायदा, वो कहते थर्मास्टेट वॉल ब्लॉक हो गया भाई नया डलेगा तो नया डलवा देंगे, 1000-1200 रुपए की चीज के पीछे गाड़ी कैसे सीध ना हो। तो भाई विजय भाई के पास चलते हैं फिर चेक कराते क्या दिक्कत आई इसमें, अगर मिल गए तो, वरना फिर मैं कल खड़ी ही कर दूंगा इसको, इसकी सर्विस वर्विस भी करानी है। तो भाई फिर एक काम कर तू इसको चेक ही कर ले आराम से, एक दो दिन जो जितना भी समय लेगा दे दूंगा एक दो दिन के लिए, और भाई चेक जरूर कराऊंगा मैं। तो मिलते हैं आगे, और भाई पहुंचने वाले हैं राजेश पायलट चौक के ऊपर, पहुंचने वाले क्या है पहुंच गए भाई, ये सामने राजेश पायलट चौक रहा, पहले चलते हैं मुकेश भाई के पास। भाई मुकेश भाई की दुकान पे आ गए और दिखाते हैं क्या क्या काम हुआ है,
राम राम भाई, राम राम। हैं एसी को के करवाण में। तो भाई तो ये हुई है चेंजमेंट है भाई। ये ही है ना, तो भाई ये चेंजमेंट की है। ये तो पहले का ही था, ये एक्स्ट्रा हुआ यहाँ से और वहाँ तक ग्रीन वो लगा के। तो पुरानी वीडियो ऐड कर देंगे और इन भाई को जानते होंगे आप, 3-4 वीडियो में लगातार आए हैं, पीपीएफ का काम करते हैं भाई। और ये इनके रोल रहे भाई। कौन सी गाड़ी के हैं? फॉर्चुनर एक्सयूवी है ना, स्कॉर्पियो फॉर्चुनर। बड़ी गाड़ी हो क्या 7-सीटर के ये पीपीएफ? एक मिनट भाई, दोबारा बता देंगे। एक ग्लोसी ब्लैक है, ग्लोसी ब्लैक पीपीएफ। हाँ, और एक है हमारी मैट ब्लैक जो स्कॉर्पियो पे हुई थी। ठीक, तो भाई देख लेना। और ये रोल का देखो स्टैंड भी बना दिया अब तो। ये देखो मेरे हिसाब से तो पहली दुकान होगी रेवाड़ी की जिसमें रोल के ये स्टैंड लगे हैं। हाँ, हंसने की क्या बात है भाई, ओनर है तो हंसा थोड़ी ना। सही कह रहा हूँ, मैंने आज तक देखा ही ना यार ये रोल ऐसे, मतलब यूं पाइप लगा के सबके यूं ही कूड़े कबाड़े तेरे पड़े रहे। ये सीट कवर यहाँ से हटवा के कमेंट करके बताओ, मैं सही बता रहा हूँ गलती है, हटवा के यहाँ से हटवा भाई, सीट कवर हटवा यहाँ से। दुकान ढक दी इसने यार। लो भाई कटिंग हो गई स्टार्ट। लो भाई ये हो गई कटिंग, सेट हो गया, ऊपर से और कर देंगे बस थोड़ी सी। ये देखो गोलाई बना दी। अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा सीट चढ़ेगी हार्डनेस के लिए, और वो हार्डनेस अलग से लगती है, फिल्म के अंदर काउंट नहीं होती। लो भाई ये एक्स्ट्रा सीट है, एक्स्ट्रा सीट के ऊपर ब्लैक फिल्म लग रही है, होंडा सिटी की कटिंग है ये, होंडा सिटी पर लगेगी एक्स्ट्रा सीट लगा के फिर ब्लैक फिल्म। देखो फिनिशिंग देखो अब कितनी अच्छी आई है। ले भाई कटिंग सलू एक्स्ट्रा पीस की। तो भाई ये हार्डनेस वाली फिनिशिंग आ गई अब, और अब लगेगी ग्लास के ऊपर, चारों ग्लास के ऊपर। लो भाई पहला रोल लगने लग गया, और इसे इसको दिखाएंगे, उसके बाद कंप्लीट गाड़ी दिखाएंगे क्योंकि यार वीडियो बड़ी हो जाती है। तो भाई तो भाई ग्लास नीचे हो गया, फिर जाने लग गई, दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। एक पे लगी अब 4 रूप लग जाएगी जब देखियो आप। भाई लग गई कल ये सॉरी ब्लैक फिल्म लग गई, देखो पीछे वाले शीशे में देख लो, इनमें देख लो। और भाई इन जो ब्लैक फिल्म लगी है ना, जो ये एक्स्ट्रा रोल लगा रखा देखो हल रही है ना, तो ये आप है ना एक तरीके से कर्टेन मान लो, जैसे कर्टेन उतार के रख देते हैं ना पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो ऐसे ही ये ब्लैक फिल्म है ना उतर जाएगी, उतार के अपनी डिग्गी में रख लो या गाड़ी के अंदर रख लो। ये वो वाली ब्लैक फिल्म नहीं है जो शीशे पे परमानेंट हो गई, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखो उतर गई, इनको उतार के रख लो, धूप में खड़ी कर रहे हो तो इनको लगा दो, लगा के खड़ी कर दो, देखो हल रही नहीं हल रही। तो ये भाई ब्लैक फिल्म लगवाई है, पूरी कंप्लीट लगी है गाड़ी के अंदर, तो छाया भी अच्छी हो रही गाड़ी के अंदर। और भाई तो इनका ये फायदा है भाई, इनको उतार के रख सकते हैं हम, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो ये मैं i20 में करवाऊंगा अब, तो इनको उतार के रख सकते हैं। देखो बाहर से ना बिल्कुल साफ दिख रहा है, अंदर का तो कुछ भी ना दिख रहा, और ये देखो यहाँ से दिख रहा है अंदर का, और यहाँ से ना दिख रहा,
तो इनको हम उतार के भी रख सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है इसका। तो भाई अगर किसी को ब्लैक जेड पसंद है तो ये चीज़ करा लो, सबसे बढ़िया है। और इसका रेट बता देंगे कितने का क्या बैठेगा ये खर्चा होंडा सिटी का। सोनू भाई जो ये होंडा सिटी में आपने ब्लैक फिल्म लगाई है, ये इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सीट है। तो एक्स्ट्रा सीट ये कितने की पड़ेगी? 1200 रुपये की। तो भाई चार दरवाजे की 1200 रुपये की पड़ेगी, एक्स्ट्रा सीट है ये। अगर आप दिल्ली गुड़गांव कहीं जा रहे हो तो इनको उतार के भी रख सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर, बस ये इनकी सेफ्टी बरतनी पड़ती है ना। तो कल ट्रेन की तरह है ये, तो आप भी लगवा सकते हो, रेट 1200 रुपये। तो भाई चल दिए सो दुकान पे से, और भाई एक बार जा रहे हैं यार, अन्नीर का फोन आया है तो कह रहे पापा आज कुछ बाहर का खाएंगे, तो यार आज उनको कुछ खिला लेते हैं बाहर का, और चलते हैं मिलते हैं अब आपको रेस्टोरेंट में सीधा। लो भाई पहुंच गए रेस्टोरेंट में, और ये बैठा अन्नी, और भाई ये आ गई पाव भाजी, और लग गया भाई ये शुरू हो गया, तो भाई खा लेते हैं फिर मिलते हैं, और ही ज़्यादा है। और भाई देखते हैं, और चीकू की भी आ गई। लो भाई खाना खा लिया, यहाँ खाना तो क्या खाया था, बस ये थोड़ा बहुत यार बच्चों की आज डिमांड थी तो फास्ट फूड वगैरह खा लिया। तो भाई चल दिया अब यहाँ से, और बच्चे गए स्कूटी पे, क्योंकि स्कूटी पे आए थे, मैं डायरेक्ट दुकान से आ गया था। भाई पीछे यार गाड़ी आ रही है, ये था अपना जहाँ हमने खाया है ओम स्वीट्स अभय सिंह चौक के ऊपर, रेट ज़्यादा लगा रहे बस ये। तो गाइज खाना तो खा लिया, यहाँ पे पाव भाजी मंगाई थी और मसाला डोसा मंगाया था, तो 3 प्लेट पाव भाजी थी, 2 प्लेट मसाला डोसा था, और 3 मैंगो शेक। तो भाई ये बैठ गया अपना टोटल 770 रुपये, बहुत ज़्यादा रेट लिया इसने तो, और श्री जी के होते तो इतने रेट नहीं लगते। क्वालिटी भी थोड़ी सी वो थी, रेट ज़्यादा थे और क्वालिटी थोड़ी सी कम थी, अच्छा ना लगा यार, हमने तो पैक ही करा लिया मसाला डोसा तो। हाँ पाव भाजी अच्छी थी, मसाला डोसा में पता नहीं क्या डाल रखा था यार, अच्छा ना लगा। मैं बुराई नहीं कर रहा यार रेस्टोरेंट की, मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि यार जो चीज़ थी ना उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं यार, बस ये था, वरना चीज़ अच्छी थी, बस क्वालिटी और रेट दोनों का डिफरेंस बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा अलग। तो कोई नहीं, चलो श्री जी के खाएंगे, उस दिन बनाएंगे व्लॉग, तब करेंगे इन दोनों को कंपेयर। तो गाइस आप ये चेक करो, हुंडई का लोगो साफ कर दिया हमने, और अब इसके ऊपर हम एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे दिखाते हैं आपको, अभी रुको। तो गाइस चेक करो ये लुकिंग देखो अब, और बीच बीच में कट इसलिए लगा रहे थे यार, इनमें हवा बन रही थी तो फिर बाद में दिक्कत करते, तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया। और अब मैं डाल देता हूँ पहले वाली वीडियो भी, ये भी बताना, कमेंट करके बताना अच्छी लगी या नहीं लगी, अच्छी लगी हो तो ठीक है, नहीं लगी हो तो इसको हटा के रेड कलर का या येलो कलर का करेंगे फिर इसको। तो गाइस फिलहाल अपन लाए थे ये वाला रैप, इसका रैप हट गया था काफ़ी पहले, अगर आपने नोटिस करो हमारी पुरानी वीडियो में, तो इसका रैप लगाया नया, मैं अभी आ नहीं पाया था तो चाचा ने अकेले रैप लगाया था इस पे, और अभी एक और चीज़ पे रैप लगने वाला है, बहुत बढ़िया दिखाएंगे आपको। ये देखो ये अपना हुंडई का लोगो, हुंडई के लोगो पे रैप लगाया अभी हमने। लो भाई एक तो ये लगा दिया, और एक ये लगा दी रैप, ये कर दिए, ये भी। तो भाई कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो भाई चाचा ने मीटर के फोन से उठा दी, तो दिख रहा है फुंसी फोड़े उठ के, चाचा इससे क्या होगा, साबित क्या करना चाहते हो? अरे नाइट विजन जो है ना गाड़ी के अंदर ज्यादा आवे यार, तो इसलिए मैं इनको ब्लैक कर रहा हूँ मीटर को भी। अच्छा। और यार इस पे फुंसी बनेगी घड़ी में, देख दिखाऊं एक चीज, देख हट, ठीक है अब देख, अब इसमें दिख रहा है तेरे कुछ? हाँ दिख तो रहा है भाई, बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब एक बार बताऊँ, इसकी ओरिजिनल वीडियो दिखाऊंगा, उसमें इसमें फर्क देख ले, दिखा देखो, ये देखो भाई, अरे अब इसकी ओरिजिनल वीडियो डालू तो, अब देखो नाइट विजन कितना कम हो गया इसका, देखो
स्टीरियो का भी कम हो गया, यहाँ से इनका भी कम हो गया, इसका भी कम हो गया। तो मैंने ब्लैक टेप इसलिए लगाई है, अगर यार ये ना जब रात को गाड़ी चलाते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, मीटर बहुत ज़्यादा इसकी वो थी ब्राइटनेस। और इसमें टॉप मॉडल की तरह वो आता है ना कम मंदी करने वाला, वो नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्लैक टेप लगाई है। और भाई बताना कैसी लगी, वरना कल मुकेश भाई से जाके लगवा के लाएंगे, देखो इसमें फुंसी बनेगी यार। तो भाई चाचा सटीरी वटीरियो खोल के मीटर मटर बाहर काट के इसकी फुंसी मिटेंगे, क्योंकि चाचा को उसकी फुंसी पसंद ना आ रही। चाचा रात का 10 बज रहा है, क्यों क्यों तेरे भटभटी उठ रही है इन चीजों की। तो एक काम कर, तुम जाना है तो तू जा। ना जाऊंगा, काम करा की जो बात है। अभी सटीरियो खोलेंगे हम। ऐसे नहीं, गलत बात है बाबूजी। भाई सक्रैच मन ना मार। अरे एक बार पेच कर चलोगे ना, फिर तो सक्रैच ही मेट दूंगा मैं इसकी। ये देखो इसकी झोपड़ी पोपड़ी से फाड़ दी। खोल गई मानेंगे, आज दाब नहीं मानना, कुछ हो जाए आज उसके पिंपल मेटने। इसकी यार जरूरत भी ना थी काटने की। लो हमें पता, इस हंसी के पीछे का दुख समझिए। दिखाइए इसकी फिटिंग हो रही है, अभी फिट हुआ नहीं है, इसकी हो रही है। कायदे से फ्लैश लाइट निकल ली। भाई जिसके पास i20 है ना और मीटर खोलना है, तो वो भाई इसके चक्करों में ना पड़े खोलने के, में सीधा ये डायरेक्ट ही निकल सकता है। और ये डायरेक्ट निकल गया तो हमने कौन सा तीर मार लिया भाई, ये रैप अटक रहा है इसका, तो इसके लिए हम हर i20 में नहीं होता, आस्था आस्था में होता है। तो बता देता हूँ, आस्था आस्था में पीछे होता है और शायद सपोर्ट में पीछे होता है। तो भाई अब रैप निकाल देते हैं, ये भाई रैप करूँगा पर बढ़िया करूँगा, पसीने देख कितने आ गए मेरे यार। तो रैप दिखा, रैप निकाल रहे हैं, देखो भाई अब लाइटिंग दिखाऊं, देखो अब आप खुद पता कर लो, ये देख लो कितना फर्क है दोनों में, देख मैं दिखाता हूँ दोनों में, देख लो कितना फर्क। अब देखो है नहीं फर्क, ये ज़्यादा अच्छी लग रही मेरे को, स्पीड ऑफ मीटर अच्छा लग रहा है ज़्यादा अकॉर्डिंग टू RPM, देख लो। तो भाई इसको करके मिलते हैं आपसे। तो भाई दोबारा रैप लगा दिया और दिखाऊं लाइट चार्ज के, एक सेकेंड देखो, अब चेक करो ये रह गया हल्का सा ना, यहाँ से रह गया बस, ये एक लाइन सी आ रही है हल्की सी इधर से, तो ये देखो बस ये रह गया इधर इधर से, सिर्फ ये इतना एरिया। और ये यार ये गलत कट गई यहाँ से जल्दबाजी में, पीछे से मैं सोचा कवर हो जाएगी, नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी इस बार ठीक लगी है, इस बार ठीक लगी। तो भाई कमेंट करके बताना आज का काम कैसा लगा, और भाई खुद ही की है तो खुद में तो आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो मिलते हैं अब आपको एक और नई वीडियो के साथ। ये भी ब्लैक कर दिया और ये भी ब्लैक कर दिया, तो दिन में दिखाएंगे इसको कैसी लग रही है, रात में तो नहीं लग रही, तो दिखाएंगे दिन में इनको। तो गाइस ये काम फ्री कर दिया और 11 बज गए, और भाई अब खाना खा लेते हैं, खाना खा के सोते हैं, और भाई सुबह इसका दिखा देंगे क्या क्या हुआ है। तो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।